बाहर से आया हुआ रिश्ता ले लें? नहीं, शादी इनकी खानदान में होगी, खानदान में, बाहर से जितने भी आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसके लिए क्या करें, सदका करें, क्या करें? देखिए उसके लिए ये कि स्टोन वेयर करें, ये ओपल का स्टोन, ओपल का स्टोन वेयर करें तो बेटरमेंट की इम्कान आते हैं। ओके, ओपल का स्टोन वेयर कर लीजिए, इंशाल्लाह जी आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है जी, चले जी, हम लोग बात कर रहे थे वो कौन होते हैं जो लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। देखिए ये हमें ऐसा लगता है हर इंसान कहीं ना कहीं किसी वक्त जाके अपने मफादात का अपने बचाव करता है, जहाँ पे आपका मतलब एक इंसान बैक वक्त इंसान मतलब फरिश्ता भी होता है शैतान भी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नॉट एवरीवन, मैंने नहीं ये आपको फील नहीं होता, अच्छे लोग होते हैं, आपको फील नहीं होता, आप कुछ प्लेसेस पे लोगों को ले जाए मतलब कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएंगी जहाँ पे आप बिल्कुल अपना एक नया रूप दिखाएंगे लोगों को, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आप अपने आप को तो खुद मॉनिटर नहीं कर रहे, किसी और से आप अपने आप को जज भी तो करते हैं, करते हैं, लेकिन आपको फील नहीं होता। ये एक फैक्ट बात है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आपके भी आएगी जब आप बिल्कुल डिफरेंट शो करेंगे अपना एटीट्यूड, जो कि लोग भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपसे इस तरह के बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन इज अ इमोशनल एनिमल। अच्छा फिर ये भी तो होता है ना कि आपके ऊपर जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि वो सब आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस कर देता है। आप ये कुछ भी कह रहे हैं, फिर आप उसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं, एक्चुअली जस्टिफाई करते हैं। देखिए इंसान कोई और करे तो बहुत बुरा और आप करे तो आपके पास जस्टिफिकेशन है। रिलीजन जो है वो बेसिकली आपको सब्र की तलकीन करता है। कल जो है वो आशूरे का दिन गुजरा, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन का जो शहादत का दिन था, वो अगर चाहते तो क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। तो जो हमारे जो रिलीजियस जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ गुजरे हैं पास्ट में, जिन्होंने पूरे इस्लाम की फाउंडेशंस की बुनियाद रखी अपने खून से, उन्होंने सब्र की तलकीन दी, उन्होंने अपना नफ्स, अपनी अना, अपना ईगो जो है वो मिट्टी में मिला दिया, लोगों के लिए अपने आप अपनी जानें मतलब नजराना कर दी अल्लाह की राह में। तो इसी तरह से हमें ये तलकीन की गई कि हम अपने नफ्स को, अपनी सेल्फिशनेस को, अपनी अना को मिट्टी में मिला दें। यही एक मुसलमान का फ़र्ज़ है और हर इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि इंसान जो है उसका रابطہ अल्लाह से, इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह अपना पार्ट एंड पार्सल बना के भेजा है अल्लाह ने। रूह कभी नहीं मरती, नफ्स मरता है, जिस्म मरता है इंसान का, जब आपकी डेथ हो जाती है तो ये तमाम अना, गुरूर, हठधर्मी, सेल्फिशनेस सब ज़मीन पर रह जाता है। हर रोज़ अगर आप 20 दफ़ा अपनी मौत को याद करते हैं तो आपकी जन्नत पक्की है, क्योंकि मौत को याद करने से आप गुनाहों से दूर होंगे। एक दिन आपको मरना है। Exactly. ये तमाम चीजें जो मतलब एक चीजें मौजूद हैं, गाड़ियाँ, पैसा, तमाम चीजें, तमाम चीजें। अकबर साहब से पूछे उनके साथ क्या हो रहा होगा इस ज्यादती पे। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग भाई, कौन बात कर रहे हैं? फातिमा बात कर रही हूँ। हाँ जी फातिमा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा हमारे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं उसका जवाब नहीं दे सकती। क्यों? क्यों क्यों? मुझे उनके बारे में कुछ इतना पता ही नहीं है। चलो जी फिर तो छोड़ो। हाँ जी आपने पूछना है क्या है? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना। भाई के बारे में पूछना है। भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 जुलाई 1983। कहाँ पैदा हुए? सखर में। ठीक है, टाइम बताइएगा। 4 से 5 के दरमियान, शाम में। आप पहले भी पूछ चुके हैं भाई के बारे में, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं।, नहीं पूछे। चलो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, पहले ही पूछा तो भी कोई मसला नहीं। हाँ जी पूछना क्या है? मुझे मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है राफिया की। हाँ जी मुझे इनके बारे में ये पूछना है कि ये जॉब करें या बिजनेस, और कब तक बाहर जा सकते हैं और किस कंट्री में। एक एक चीज बता सकते हैं हम इनके जॉब बिजनेस का? बताते हैं ठीक है, उसे खुद ही पता चल जाएगा यहाँ हो रहा है बाहर हो रहा है। ठीक है, स्टोन और रेमेडी भी ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो स्टोन रेमेडी आपको ऑटोमेटिकली बता दी जाएगी। ठीक है फातिमा, लाइट भी नहीं है यही बता दें। देखिए इनके लिए जो है वो बिजनेस करना ज्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत जॉब के, और ये बहुत ही रहीन आदमी है। अच्छा माशाल्लाह जी, दैट्स वेरी नाइस, और बिजनेस करना बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, आई थिंक इंटेलिजेंट लोग बिजनेस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बड़े अच्छी चीजें संभाल लेते हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर है। तो कोई रेमेडी और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक हिज लाइफ इज परफेक्टली फाइन। ठीक है फातिमा, हेलो फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हमारी ये बात जो है ना ज्यादती वाली लोगों के साथ, ये बीच में रह गई है
इसकी भी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे हम सबको सेल्फ करेक्शन की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। देखें बहुत सी चीजें हमें पता नहीं होती कि हमारे अंदर मौजूद है, दूसरा पॉइंट आउट करता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं कि भाई नहीं हमें अवेकन नहीं, हमारे लोग ऐसे नहीं है, हमारी जो पब्लिक है उसको अवेकन करने की जरूरत है। वो एक तरह की जो है ना एक दुनियावी मादियत की नींद में सो रही है, मटेरियलिस्टिक जो दौर है उसमें सो रही है, उसको जगाने की जगह के स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने की जरूरत है, जो कि हमारे मजहब का खासा भी है। चले जी, और वक्त हो गया है हमारे मेडिकल सेगमेंट का, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक ब्रेक का। और यहाँ अली को तो मैंने थैंक यू कर दिया है, अली आते रहेंगे। हमारा जो पोल का सवाल है वो ये है कि क्या अकबर बादशाह ने अनारकली के साथ इंसाफ किया, हाँ या नहीं, इसका जवाब लोग दे रहे हैं। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मिल जाएगा, विल बी राइट बैक।